आपको सेकेंड लेक्चर में खुश आमदीद। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है इसका हमने आंसर निकालना है तो हमें काउंटिंग अच्छी आनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सैम्पल स्पेस है इसके अंदर इसका साइज़ क्या, इसकी कॉर्डिनेलिटी क्या है। हमें सैम्पल स्पेस की कॉर्डिनेलिटी का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं इनके अंदर कितनी आउटकम्स हैं। तो हमें ना काउंटिंग आनी चाहिए। अगर काउंटिंग आ रही होगी तो हम आराम के साथ प्रोबेबिलिटीज़ के फार्मूलाज लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो फार्मूलाज याद करना आसान है, काउंटिंग सीखना और उसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो है काउंटिंग को, जो शायद हमने पहले सीखी होगी FSC के अंदर या पिछली क्लासेस के अंदर, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं जो हम अभी सीख रहे हैं काउंटिंग के बारे में वो लिखूँगा और जो की फाइंडिंग्स हैं, हमारे की रिजल्ट्स हैं, मैं यहाँ लिखते जाऊँगा। तो बेसिकली ये जो है ना आखिर में हमारे जो है ना लेक्चर का निचोड़ होपफुली इस तरफ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम जो पहले स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि जी अगर मेरे पास अज्यूम करें कि कोई एन आइटम्स हैं और कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइटम यानी हर आइटम के अगेंस्ट मेरे पास एम आइटम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ आइटम बन जाएंगी एन टाइम्स एम। सो इसको हम फॉर्मली भी लिखते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये कह रहा है कि गिवन एन आइटम्स एंड एम आइटम्स कोरस्पॉन्डिंग, यहां देखिए शायद कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइटम वी हैव एम आइटम्स देन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी हमारे पास इक्वल्स टू एन टाइम्स एम। ठीक है। सो हमारे पास जो पहली हमने हमारे पास की फाइंडिंग है वो है जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कहता है कि जी अगर आपके पास एन आइटम्स हों और आपके पास कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइटम आपके पास एन एम आइटम्स हों सो टोटल कितनी बन जाएंगी हमारे पास, टोटल हो जाएंगी एन टाइम्स एन। ठीक है जी। इसके अब एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि जो एग्जाम्पल्स से ज़्यादा क्लियर हो। सो एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल वन तो पहली एग्जाम्पल है इस, ये काफ़ी आसान सी है। इसके अंदर हमारे पास टू कॉइन टॉस हैं, टू कॉइन हमने टॉस किए हैं और हमने ये फाइंड करना है कि जो सैम्पल स्पेस में टोटल कितनी एलिमेंट्स हैं। एंड क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, दो कॉइन टॉस करने का, हमें फाइंड करना है टोटल एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। या सैम्पल स्पेस की कॉर्डिनेलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। सॉल्यूशन, अब हमारे पास जो पहला कॉइन है उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी हेड की है और एक पॉसिबिलिटी टेल की है। और हर पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट, जैसे उसमें कहा था हर पॉसिबिलिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी हैं, एक पॉसिबिलिटी हेड की है एक पॉसिबिलिटी टेल की है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई, टोटल आउटकम कितनी बन गई, टू टाइम्स टू इज इक्वल टू फोर, इतनी हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। अब ना कई दफ़ा ना हम इन आउटकम्स को ना प्रिसाइजली लिखना चाहते हैं क्योंकि हमने ना कि प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी होती है, तो ना उसके लिए हमारे पास दो की मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि हम ना एक ग्रिड वाली मेथड का इस्तेमाल करें जिसके अंदर हम ग्रिड बनाते हैं। मगर जो ग्रिड वाला मेथड है ये वैसे तो बहुत अच्छा है मगर ये खाली ना दो टू सेट्स ऑफ आइटम्स के लिए काम करता है।
यानी जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हों, दो कॉइन हों, दो डाइस हों, तो यह काम करता है, वैसे काम नहीं करता, क्योंकि ये जो है ना 2D मेथड है किस्म का। सो ये मेथड इस तरह से है कि मेरे पास एक कॉइन था, लेट्स से मैं इसे कहता हूँ कॉइन वन, ये मेरे पास कॉइन वन है, इसको मैंने ना यहाँ पे लिख लिया, तो मेरे पास कॉइन वन में ऑप्शन है हेड की, कॉइन वन में ऑप्शन है टेल की। तो मेरे पास यहाँ पे है कॉइन टू, इसको ना मैंने ऐसे लिखा है, मेरे पास ये कॉइन टू में ऑप्शन है हेड की और कॉइन टू में ऑप्शन है टेल की। अब ये जो खाने हैं ये बता रहा है कि हमारे पास पहली ऑप्शन कौन सी है। पहली ऑप्शन ये है कि पहले कॉइन में हेड आए और सेकंड कॉइन में भी हेड आए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा हेड हेड। दूसरी ऑप्शन क्या है कि पहले कॉइन में हेड आए, सेकंड कॉइन में टेल आए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा हेड टेल। तीसरी ऑप्शन कौन सी है कि हमारे पास पहले कॉइन में हेड आए, दूसरे में टेल आए, पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, तो अगर जी टेल हेड, और आखिरी ऑप्शन है टेल टेल। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे तो हम इन खानों के अंदर हेड हेड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि हम यहीं से पता लगेगा ये वाला खाना जो है हेड हेड का है, ये वाला खाना जो है ना ये टेल टेल का है, क्योंकि ये इस यहाँ से ये वाली रो है, ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो हम इन खानों के अंदर ना प्रोबेबिलिटीज लिख रहे होंगे कैलकुलेट करके। सो एक और मेथड जो है आउटकम्स को रिप्रेजेंट करने का, वो ट्री मेथड के लिए, क्योंकि हमारे पास ट्री की रिप्रेजेंटेशन है। सो हमने कहा जी हमारे पास, हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ये हमारे पास स्टार्टिंग नोड है, इसको नोड कहते हैं, और हमारे पास स्टार्टिंग नोड के टू एजेस हैं। टू एजेस इसलिए हैं कि हमारे पास जो है ना दो पॉसिबिलिटीज हैं पहले कॉइन पे। सो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है कि हेड, दूसरी पॉसिबिलिटी है टेल। अब हमारे पास यहाँ पे एक और नोड आ गई, इन सर्कल्स को नोड कहते हैं और लाइनों के एजेस कहते हैं। यहाँ पे एक और नोड आ गई, अब हमारे पास हेड आने के बाद फिर से दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है एक और दफ़ा हेड आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास या तो टेल आ जाए। यहाँ पे टेल आने के बाद फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास हेड आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास टेल आ जाए, ठीक है जी। अब हमारे पास जो ये वाला पाथ है, यानी कि जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा घर था, इसके कहते हैं रूट नोड, हमारे पास रूट था, ये क्या कहते हैं जी, इस वाली नोड को कहते हैं रूट, जैसे होते हैं ना ट्री की रूट, जो वही रूट है, मगर जिस ट्री के अंदर ना बेसिकली ट्री उल्टा है, तो रूट ऊपर है बाकी सब कुछ नीचे है। और ये जो आखिरी वाला लेवल है ना, जिसमें से कोई हमारे जो है एजेसेंट निकल रहे, इनको कहते हैं लीव्स। तो ये हमारे पास क्या है, लीव्स। तो हमारे पास ये लीव्स हैं, ये रूट है, बेसिकली ट्री उल्टे उल्टा बना हुआ है। अब हमारे पास ये वाली नोड पर हम जहाँ पहुँचने के लिए हमने कौन सा पास इस्तेमाल किया, हमने रूट से शुरू हुए, पहले हम गए इस वाले हेड पे, फिर हम गए इस वाले हेड पे, इसका मतलब है ये वाली नोड रिप्रेजेंट कर रही है हेड हेड को, क्योंकि हमने ना हेड हेड का पास इस्तेमाल किया। ये वाली नोड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेड एंड टेल को, क्योंकि हमने हेड टेल का पास यहाँ तक पहुँच सकते हैं, रूट से लीफ तक। तो ये वाला कौन सी है जी, हेड टेल। ये वाली नोड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेल हेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेल हेड। और फाइनली ये नोड रिप्रेजेंट कर रही है टेल टेल, तो ये है जी टेल टेल। वंस अगेन जब हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे तो हम इन नोड्स के अंदर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज लिख रहे होंगे और कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिलहाल मैंने इन नोड्स को ना खाली छोड़ दिया, ठीक है। सो हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर चार आउटकम्स हैं जो हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाली हैं, और वो आउटकम्स हैं कौन कौन सी, हम आराम से लिख सकते हैं कि आउटकम का पता लग गया कौन कौन सी हैं, वो हैं जी हेड हेड, यहाँ से देख लें या यहाँ से देख लें, वो हैं जी हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। सो अब हम उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, मगर उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन जो है साफ करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। सो हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास दो हमने कॉइन टॉस किए और फिर हमने एक डाइस जो है ना वो टॉस किया, रोल किया। तो हमारे पास दो कॉइन टॉस किए हैं, एक डाइस रोल किया है, और हमने ये बताना है कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर टू करते हैं, हमने इस एग्जांपल के अंदर टू कॉइन टॉस किए एंड अ डाइस रोल किया। ठीक है, सो टोटल बेसिकली कॉर्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस ये हमने बतानी है,
और हमने दूसरी बात क्या बतानी है कि हमने उन आउटकम्स को राइट भी करना है एंड राइट एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस या राइट आउटकम्स इन सैंपल स्पेस ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है, सो ये हमारे पास इस सवाल के दो पार्ट्स हैं. सो ट्राई करते हैं. पहले हमने ना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल किया कि पहले क्वाइन में हमारे पास दो आउटकम पॉसिबल हैं. ये सोल्यूशन है हमारा. हमारे पहले क्वाइन पे दो आउटकम पॉसिबल हैं, दूसरे क्वाइन में भी हमारे पास दो आउटकम पॉसिबल हैं और डाइस में हमारे पास सिक्स आउटकम पॉसिबल हैं. तो हमारे पास टोटल जितनी आउटकम पॉसिबल हैं, 2 × 2 = 4 × 6 = 24. सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्डिनेलिटी कितनी है? एस की कॉर्डिनेलिटी कैसे लिख सकते हैं कि जी ये जो सैंपल स्पेस की कॉर्डिनेलिटी इज इक्वल्स टू 24. कई दफ़ा लोग ऐसे भी लिखते हैं, संभव जो बुक के अंदर ना ऐसे लिखा हुआ है, बट आई प्रेफर दिस वन बिकॉज ये जो है ना प्रॉपर सेट की नोटेशन. सो हमने ना इस वाले पार्ट का जो है ना आंसर निकाल लिया. अब सेकेंड पार्ट का आंसर निकालना है, उसके लिए जो है हम इस दफ़ा ग्रिड वाला जो है ना मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते कि हमारे पास तीन डिफरेंट चीज़ें हैं. हमारे पास पहला क्वाइन है, सेकंड क्वाइन है और हमारे पास डाइस है. हम ग्रिड वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो मेथड खाली तब इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पास दो चीज़ें हों. यहाँ पे तीन चीज़ें हैं तो हम वो मेथड इस्तेमाल, हम ट्री वाला मेथड अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑल्दो के नंबर ऑफ लीव्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, हमें 24 लीव्स बनाने पड़ेंगे, ट्री काफ़ी लंबा बन जाएगा, मतलब वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं जी इस वाली नोड से. ये नोड कौन सी थी? ये जो है ना ट्री का रूट था. समहाउ हमारा ट्री जो है मैथमेटिक्स में वो उल्टा उगता है, उसका रूट ऊपर होता है, लीफ नीचे होते हैं. और हमने पहले इस कॉइन से शुरू किया. हम डाइस से भी पहले शुरू कर सकते थे, ऑर्डर डजंट मैटर. हमने इस वाले कॉइन से शुरू किया. हमने कहा जी वाला कॉइन शुरू किया, हमने हमारे पास यहाँ पर हेड आ सकता है, यहाँ पर टेल आ सकता है. फिर हमारे पास यहाँ पे एक और नोड आ गई. इस नोड के अंदर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, कभी फिलहाल नहीं लिख रहे, फिलहाल ये नोड एम्प्टी है. फिर हमारे पास हर ये वाला हमने कर लिया काम. ये पहला जो इसे कहते हैं लेवल, ये पहला लेवल है ना, ये हमारे पास ये जो लेवल नंबर वन है, ये जो लेवल वन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कॉइन वन को. जो हमने कॉइन का टॉस नंबर वन किया था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने लेवल नंबर वन पूरा कर दिया. अगर हमारे पास एक ही कॉइन होता तो हम यहीं पर रुक जाते हैं. ठीक है, हमारे पास मगर हमारे पास एक और कॉइन भी, एक डाइस भी है. सो हम सेकंड की इसकी बारी आ गई. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? एक दफ़ा फिर से हेड और एक दफ़ा फिर से टेल. बिकॉज पहली दफ़ा हेड आया, अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दोबारा से कॉइन टॉस करें, या तो हेड है या टेल. इनमें दोनों में आ रहा है, ज़ाहरी बात है. सो दोबारा से यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? पहली दफ़ा टेल आया, सेकेंड में फिर से दो ऑप्शन है कि या तो हेड आ जाए या हमारे पास टेल आ जाए. ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना लेवल टू ख़त्म हो गया. और जो लेवल टू था ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कॉइन टू को. अगर हमारे पास दो कॉइन होते हैं यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, मगर हमारे पास डाइस भी है. सो अब हम आगे जी आखिरी लेवल पे, जहाँ हमने बहुत सारी नोट्स बनानी है. तो कोशिश करते हैं कुछ बनाने की, सारी ना बनाऊँ मैं. सो इसके अगेंस्ट हमारे पास 6 आउटकम्स आ सकती हैं. सो 1, 2 मे बी यहाँ भी बनाते हैं, 3, 4, 5, 6. ये वाली हमारे पास पहली आउटकम जो है, ये अगर हमारे पास डाइस पे 1 है तब हम इस वाली ब्रांच पे जाएंगे. डाइस पे 2 है, हम इस वाली ब्रांच पे जाएंगे. डाइस पे 3 है, इस वाली ब्रांच पे. डाइस पे 4 है, इस वाली. 5 और 6, तो हमारे पास इसके अगेंस्ट 6 आउटकम्स आ गई. इसके अगेंस्ट फिर से 6 आउटकम्स आएंगी. पहली आउटकम आएगी अगर डाइस पे 1 है. फिर मैं यहाँ पे ना, क्योंकि जगह कम है तो मैं डॉट डालूँ. और आखिरी आउटकम कौन सी आएगी? कि डाइस पे 6 है. तो हमारे पास यहाँ पे 6, आप समझें कि नोड्स हमने यहाँ पे बनाई है. यहाँ पे फिर हमारे पास 6 नोड्स आएंगी. पहली नोड कौन सी आएगी? कि डाइस पे 1 है. और फिर मैं डॉट 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 डाल रहा हूँ जगह कम होने की वजह से. और आखिरी कौन सा आएगा कि जी हमारे पास डाइस पे 6 है. और फिर हमारे पास यहाँ पे भी जो है ना 6 आउटकम्स आएंगी. पहली आउटकम आएगी कि डाइस पे 1 है और आखिरी आउटकम आएगी डाइस पे 6 है. ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट 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 तो मैंने कुछ नोट्स शो नहीं की. अब हमारे पास जो अगर किसी हम यह प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो यहाँ पे हम कौन सी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कि जी पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, डाइस पे 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो यहाँ लिख सकते हैं. सो बेसिकली जो ये वाला रास्ता है, हेड हेड और 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच एच 1 को.
फिर ये रास्ता रिप्रेजेंट कर रहा है एच एच टू को, फिर एच एच थ्री को, और एच एच फोर को, एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो सेकंड वाला हमारे पास ये जो नोड्स हैं, ये पहली नोड रिप्रेजेंट कर रही है एच टेल, क्योंकि हेड फिर टेल और वन को, और जो जो डॉट 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 बचा आखिरी नोड रिप्रेजेंट कर रही है हेड टेल सिक्स को, और बीच में कुछ नोड्स हैं जो हमने नहीं लिखी। इसी तरह से जो जो हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली नोड है ये रिप्रेजेंट कर रही है टेल हेड और सिक्स को, टेल सॉरी पहले आएगा टेल फिर हेड फिर वन को, टेल हेड और वन को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है टेल हेड और सिक्स को, डॉट 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 टेल हेड एंड सिक्स। और यहाँ पे फिर ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास टेल टेल वन को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है टेल टेल सिक्स को। सो सैंपल्स के स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद बाद में मिटा दूंगा। सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं कौन से, पहले हमारे पास है हेड हेड वन से लेकर डॉट डॉट डॉट, सारे हेड हेड में आ रहे हैं, और हेड हेड सिक्स तक, तो छह एलिमेंट्स ये, फिर कॉमा बीच में है। फिर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास हैं जी हेड टेल वन से लेके डॉट डॉट डॉट, और आगे कौन से आ रहे हैं हेड टेल सिक्स। और फिर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास हैं जी टेल हेड वन से लेके डॉट 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 टेल हेड सिक्स तक, और फिर आखिर में कौन से एलिमेंट है हमारे पास टेल टेल वन से लेके डॉट 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 आखिर में है टेल टेल सिक्स। सो इस तरह से ना हम मैंने बेसिकली सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं, ऑलमोस्ट कुछ बीच में डॉट डॉट है, जो ऑब्वियसली आपको पता है डॉट डॉट से क्या मुराद है कि यहाँ पे अगर हेड हेड वन है उसके बाद क्या आएगा हेड हेड टू, फिर क्या आएगा हेड हेड थ्री, और इससे जाते जाते आखिर में आएगा हेड हेड सिक्स। तो सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर होंगे। सो इसको दोबारा से मिटाते हैं और फिर और एग्जांपल्स करते हैं। दो और एग्जांपल्स हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। पहले एग्जांपल के अंदर हमने जो है सिक्स डाइस रोल किए हैं और हमें बताना है कि सैंपल स्पेस का साइज़ कितना है। हमें पता है कि फाइव डाइस रोल किए हैं, सैंपल स्पेस का साइज़ बताना है। हर डाइस के अंदर सिक्स पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन गई हैं सिक्स टाइम सिक्स टाइम सिक्स टाइम सिक्स टाइम सिक्स। कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं, सिक्स टाइम सिक्स टाइम सिक्स टाइम सिक्स टाइम सिक्स, विच इज़ इक्वल्स टू सिक्स रेज टू पावर फाइव। सो हमारे पास इस सवाल का ये आंसर है। सेकेंड सवाल हमारे पास ये है, जो फोर्थ एग्जाम्पल है कि हमारे के चार वुमेन थे और हर वुमेन के दो चिल्ड्रन हैं, और जो हर चाइल्ड है उसके पास तीन टॉयज हैं, तो टोटल नंबर टॉयज कितने होंगे। चार वुमेन्स हैं, हर वुमेन के दो बच्चे हैं, और हर बच्चे के पास तीन जो हैं खिलौने हैं, टोटल खिलौने कितने होंगे। तो इसका सलूशन हमारे पास क्या है जी, इसका सलूशन है फोर टाइम्स टू टाइम्स थ्री, ये इसका सलूशन है, विच इज़ एट टाइम्स थ्री 24। सो ये इसका आंसर है। सो बेसिक प्रिंसिपल काउंटिंग के बारे में इतना ही, अब बोर्ड साफ करते हैं और परम्यूटेशन के बारे में जो है ना सीखते हैं। सेकंड जो हमारे पास काउंटिंग का मेथड है उसे कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का क्या मतलब है कि चीज़ों को अरेंज कैसे करना है। तो परम्यूटेशन जो है चीज़ों की अरेंजमेंट के बारे में बातें करती है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि मेरे पास एन आइटम्स हैं, कोई एन हमारे पास लेट से कुर्सियाँ हैं, उन कुर्सियों को कितनी डिफरेंट कम्बिनेशन से मैं अरेंज, कितने डिफरेंट तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूँ। सो मेरे पास एन आइटम्स हैं एंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो मेरे पास आएंगी वो मेरे पास आएंगी एन फैक्टोरियल। सो जो नेक्स्ट बात जो हमने याद रखनी है, जो की फैक्ट याद रखना है, वो है जी नंबर टू परम्यूटेशन के बारे में, वो है कि जी एन आइटम्स की जो अरेंजमेंट पॉसिबल है
वो कितनी है मेरे पास, एन फैक्टोरियल। सो इसकी एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि हमारे पास पांच टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप खेल रही हैं और हमें देखना है कि उन टीमों की कितनी पॉसिबल जो है अरेंजमेंट बन सकती हैं, मतलब कौन सी टीम फर्स्ट आ सकती है, कौन सी टीम सेकंड आ सकती है और सो ऑन। सो एग्जांपल इस तरह से कि हमने पांच टीमों को उनकी पोजीशन के लिहाज से अरेंज करना है और हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास फाइव टीम्स हैं इन क्रिकेट वर्ल्ड कप कप, और हमने पता लगाना है कि हाउ मैनी जो है ना पोजीशन अरेंजमेंट पॉसिबल है, पोजीशन परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। सो बेसिकली ये भी प्रोबेबिलिटी का सवाल है जिसमें हम सैंपल स्पेस का ना साइज निकाल रहे हैं। सो इसका सलूशन क्या है कि जी, अपना सलूशन का हमें पता है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इस केस के अंदर 5 फैक्टोरियल आएगा। मगर एक बंदा सोचता है कि 5 फैक्टोरियल का आंसर कैसे आया है, तो मैं खाली जो है ना वो आपको दिखाने के लिए आंसर कैसे आया, थोड़ी सी लॉजिक हम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक ये है कि जी मेरे पास ना 5 स्लॉट्स हैं, क्योंकि मेरे पास कोई टीम फर्स्ट आ सकती है, कोई सेकेंड आ सकती है, कोई थर्ड आ सकती है, कोई फोर्थ आ सकती है, कोई फिफ्थ आ सकती है। अब मैंने ना इस स्लॉट से शुरू किया। अब पहले स्लॉट पर ना मेरे पास ना 5 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, कोई भी टीम पाँचों में से ना फर्स्ट आ सकती है। तो मेरे पास यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5। अब क्योंकि एक टीम को पांचों में से एक टीम तो फर्स्ट आ गई है ना, तो इसका मतलब है सेकंड स्लॉट में मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4। ठीक है, अब मेरे पास ना एक टीम फर्स्ट आ गई है, एक टीम जो है ना सेकंड आ गई है, तो थर्ड स्लॉट में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी टीमें थर्ड आ सकती हैं, तो वो आ सकती हैं 3। अब मेरे पास एक टीम फर्स्ट आ गई है, एक सेकंड आ गई, एक थर्ड आ गई है, यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं, 2, और आखिर में कितनी पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं, 1। और बेसिकली जो है 5 टाइम आगे मेरे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं और मैं उनको बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत, 5 टाइम 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, और बेसिकली इसका आंसर क्या आता है, 5 फैक्टोरियल। सही, एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर मेरे पास एक लेटर, एक वर्ड है पेन, और मैंने देखना है कि इसके लेटर्स के साथ मैं कितने और वर्ड्स बना सकता हूँ। सो हाउ मैनी वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग लेटर्स ऑफ पेन। सो मैं पेन के कितने ज़्यादा वर्ड्स बना सकता हूँ यूजिंग पेन। सो बेसिकली मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। सो वंस अगेन इसका आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा, मगर कैसे आएगा कि जी पहली जो मेरे पास स्लॉट है इसमें मैं पी भी रख सकता हूँ, ई भी रख सकता हूँ, एन भी रख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं पहली जो है, क्योंकि मेरे तीन जो है ना लेटर्स के वर्ड ही बनेंगे। पहली जो पहला लेटर जो है ना उसमें 3 ऑप्शन आ सकती हैं। अब मैंने एक जो है लेटर यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है, तो मेरे पास सेकेंड 2 ऑप्शन आ सकती हैं सेकंड जो है ना लेटर के लिए, और थर्ड लेटर के लिए 1 ऑप्शन आ सकती है। और बेसिकली जो है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल। बेसिकली इसका आंसर जाहिर बच्चा 6 आता है। ठीक है, सो ये जो मेरे पास सेकंड सवाल है। सो इस एग्जांपल में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल हैं यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड पेपर। सो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हम इन सारे पीज में और इन सारे ईज में डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम ये कह दें ये पी वन है, ये पी टू है, ये पी थ्री है, ये ई वन है, ये ई टू है, समथिंग लाइक दैट, हमें पेपर को ऐसे लिखें कि ये पेपर में ये पी वन है, फिर मेरे पास ई वन आएगा, फिर पी वन आएगा, पी टू आएगा, सॉरी पी थ्री आएगा, और ई टू आएगा, और आर आएगा। सो हमने बेसिकली हर पी को भी डिफरेंट कर दिया है, हमने हर ई को भी डिफरेंट कर दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन सकती हैं इसके लेटर्स की, क्योंकि हमने हर पी में और हर ई में डिफरेंशिएट किया है। मगर अगर हम डिफरेंशिएट ना कर सकें, क्योंकि इसमें जो है पीज मेरे पास 3 हैं, और अगर
मेरे पास ये दो ऑप्शन होंगे जी, मैंने पेपर को ऐसे लिखा है यहाँ पे पी, अगर मैंने ऐसे लिखा है या जो मैंने इसको ऐसे लिखा है, या मैंने इसको ऐसे लिखा है तो मेरे पास अगर ये तीनों ऑप्शन जो हैं, तीनों जो डिफरेंट मैंने परम्यूटेशन लिखी हैं, अगर वो सेम हो, क्योंकि मैंने जो मैं पी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, तो अगर पी का ऑर्डर तो इनमें चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ मेरे पास पी वन था, यहाँ पी टू है, यहाँ पी थ्री है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, मगर अगर मेरे पास ये सबस्क्रिप्ट नहीं है और मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, तो ये तीनों जो है अरेंजमेंट जो मेरे पास है ये सेम है। इस केस में इसका आंसर सिक्स फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि सिक्स फैक्टोरियल खाली तब आंसर आता है कि जब मैं पीज में डिफरेंट पीस को मैं डिफरेंट, तीनों पी को मैं डिफरेंट समझ रहा हूँ, तीनों इंच को मैं डिफरेंट समझ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे इस तरह फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला पी इधर आए कि ये वाला पी इधर आए, या इनकी इनकी जो है ना लोकेशन आपस में एक्सचेंज हो जाए, सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितनी होंगी, वो होंगी जी सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मेरे पास ना थ्री पीज हैं, तो मेरे पास थ्री फैक्टोरियल, मेरे पास दो ईज हैं, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। और इसका आंसर है जी सिक्स टाइम्स फाइव टाइम्स फोर टाइम्स थ्री फैक्टोरियल, आगे में नहीं जा रहा, और यहाँ पे है थ्री फैक्टोरियल टाइम्स टू फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, टू फैक्टोरियल आंसर टू ही आता है, सो मैं इसे टू लिख रहा हूँ, यहाँ से ये टू हो गया, इसका आंसर आता है 30 + 2 = 60 आई थिंक, अगर मैंने कोई गलती नहीं की, सो इसका आंसर 60 आता है। सो अगर मेरे पास डिफरेंट पी जो हैं वो यूनिक हैं, तो इसका आंसर सिक्स फैक्टोरियल आता है, अगर मैं डिफरेंट पी और डिफरेंट ईज में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर 60 आता है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। सो इसे पता लगा परम्यूटेशन का एक और फार्मूला भी है कि अगर मेरे पास एन आइटम्स हों और उसके अंदर मेरे पास लेट्स से एन वन एन टू, मेरे पास ना आर आइटम्स हों, आर आइटम्स हों जिनका जो साइज़ हो वो हो जी एन वन एन टू से लेके एन आर, तो इस केस के अंदर जो मेरे पास नंबर अरेंजमेंट बनती हैं वो बनती हैं एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन आखिर में आएगा एन आर फैक्टोरियल। सो इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं। सो इस एग्जांपल में मेरे पास 10 चेस के प्लेयर्स हैं और उनमें से जो है चार इंडियंस हैं, तीन पाकिस्तानी हैं, दो अमेरिका से हैं और एक ब्राज़ील से, और अगर मुझे जो एक कंट्री के प्लेयर्स के दरमियान में जो है ना पोजीशन का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देखना है कि अगर 10 पोजीशन मेरे पास हो, ठीक है, तो टोटल कितनी जो है अरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर एक कंट्री, लेट्स से एक कंट्री का एक बंदा पहले फर्स्ट था और एक कंट्री का एक बंदा थर्ड था और उन दोनों ने पोजीशन चेंज कर ली, तो वो एक पोजीशन है। जिस तरह से मैं पहले पिछली एग्जांपल्स के अंदर अगर मैं डिफरेंट पीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था, इस तरह से डिफरेंट इंडियन प्लेयर्स में डिफरेंट पाकिस्तानी प्लेयर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, मगर हम 10 पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आपस में पोजीशन बदल ली, तो वो सेम ही अरेंजमेंट है। तो इसका सलूशन क्या आएगा कि जी मेरे पास टोटल 10 पोजीशंस हैं, तो 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा कि जी नीचे आएगा कि जी मेरे पास क्योंकि 4 डुप्लीकेट प्लेयर्स हैं, तो 4 इंडियंस हैं, 3 पाकिस्तानी हैं, 3 पाकिस्तानी आएगा, 2 जो हैं वो यूएसए से हैं, 2 फैक्टोरियल यूएसए से आएगा, और 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल खैर 1 ही होता है, तो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं हमें। तो इसका आंसर बेसिकली ये आएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, मगर बेसिक आइडिया जो है ना वो हमारे पास यही है। सो आई थिंक परम्यूटेशंस के लिए इतना ही काफ़ी है। सो अब जो है हम कम्बिनेशंस की तरफ जाते हैं, कम्बिनेशन जो है एक और मेथड है काउंटिंग का, सो लेट्स स्टार्ट कम्बिनेशंस। सो एक और टेक्निक जो हमारे पास काउंटिंग की है वो कम्बिनेशंस है। कम्बिनेशन ये करते हैं कि जी अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने उनको ना के डिफरेंट
साइज़ के ग्रुप्स में के साइज़ के ग्रुप के अंदर रखना है, तो हम कितने ज़्यादा जो है ना पॉसिबल हमारे पास अरेंजमेंट आ सकती हैं या कम्बिनेशन आ सकते हैं। सो बेसिकली मेरे पास क्या है कि जी एन आइटम्स है और मैंने उनकी ना लेट्स से के जो है ग्रुप्स या कमेटीज़ बनानी है मेरे पास। के मैंने जो है ना उसके पार्ट्स बनाने हैं, के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी ग्रुप्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी कम्बिनेशन आर पॉसिबल, हाउ मैनी कम्बिनेशन आर पॉसिबल। सो जो है ना इसके बारे में जो मशहूर ज़माना हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं एन चूज़ के। और एन चूज़ के को ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जी एन चूज़ के। बाय द वे इस वाली टर्म, इस वाली जो हमने एन चूज़ के लिखा है, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। सो ये जो है एन चूज़ के है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट भी है। सो जो ये वाली जो मैंने जो फार्मूला लिखा है, इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे कुछ इस तरह से कि ये इक्वल्स टू आता है एन फैक्टोरियल। भाई जी मैंने फार्मूला ऑलरेडी वहाँ पे भी लिख दिया है, ये आता है एन फैक्टोरियल ओवर के फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। गिवन सेवन पीपल, हमारे पास सात जो हैं पर्सन हैं, हाउ मैनी कमेटीज, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ थ्री पीपल कैन बी मेड। हो सकता है कि जी हम पहले बंदे को कमेटी में डालें और जो है चौथे को डालें और जो है सातवें को डालें, हो सकता है कि हम जो है दूसरे को डालें और जो है तीसरे को डालें और जो छठे को डालें। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट हम तीन बंदे सेलेक्ट कर सकते हैं सात बंदों में से। तो कितनी ज़्यादा डिफरेंट इस किस्म की कमेटीज़ बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट वन बंदा डिफरेंट हो। सो बाय द वे जो कमेटी का वर्ड है ये मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है इंग्लिश इंग्लिश के लिहाज से, क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें डबल हैं, डबल एम भी है, डबल टी भी है, डबल ई भी है, विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज। सो सोल्यूशन, सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि जी हमने सेवन चूज थ्री करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेवन चूज थ्री विच इज इक्वल्स टू सेवन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल ओवर ओवर डिवाइड बाय सेवन माइनस थ्री, सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास आएगा जी सेवन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल एंड फोर फैक्टोरियल। और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा कि जी सेवन टाइम्स सिक्स टाइम्स फाइव टाइम्स फोर फैक्टोरियल। मैं फोर पर रुक जाऊँ ताकि नीचे वाले फोर से ये कट जाए, तो यहाँ फोर फैक्टोरियल तक रुक जाते हैं। नीचे आएगा जी फोर फैक्टोरियल और जो ये वाला फैक्टोरियल इससे कट जाएगा और टाइम्स थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल क्या था, थ्री टाइम्स टू विच इज इक्वल टू सिक्स। सो थ्री फैक्टोरियल था सिक्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिक्स, और जो ये वाला सिक्स है ये इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेवन टाइम फाइव विच इज़ 35। तो इसका मतलब है कि 35 हमारे पास कमेटीज़ बन सकती हैं जिनके अंदर हम तीन बंदे लें फ्रॉम दिस सेवन पीपल। तो इसको करने के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। सो एक और एग्जांपल हमारे पास कम्बिनेशन की कुछ इस तरह से है कि उस एग्जांपल के दो पार्ट हैं। सो पहले हम करते हैं जी पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए ये है कि हाउ मैनी कमेटीज, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ टू वुमेन एंड थ्री मैन कैन बी मेड, कैन बी मेड गिवन दैट
ठीक है, गिवन दैट वी हैव फाइव वुमेन एंड सेवन मैन। सो वो कह रहे हैं कि जी आपके पास जो है फाइव वुमेन्स हैं टोटल और आपके पास सेवन मैन हैं, और आपने ना कमेटीज़ बनानी है इस तरह से कि हर कमेटी के अंदर दो वुमेन आए और ना थ्री मैन आए। तो अगर ये वाला हो तो हम कितनी कमेटीज़ बना सकते हैं? ये हमारे पास पार्ट ए है। पार्ट बी जो है ना वो बाद में लिखेंगे, तो फिलहाल पार्ट ए है। सो सॉल्यूशन, सो अब ये वाला सवाल जो है ना इसके अंदर हमने कम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करना है और बेसिक जो रूल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भी इस्तेमाल करना है। हमने क्या किया कि जी हमारे पास हमने ना खाली पहले जो है ना वुमेंस को सेलेक्ट किया, या पहले खाली मैन को सेलेक्ट किया, जैसे पहले खाली वुमेन को सेलेक्ट किया। हमने कहा जी हमारे पास फाइव टोटल वुमेन है, हमने फाइव चूज़ टू करना है। तो पहले हमने खाली किया फाइव चूज़ टू, ये हमारे पास खाली वुमेन आ गई, और हर जो इस वुमेन के कम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास मैन का कमीशन आएगा। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, ये हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत कर रहे हैं। तो हमने कहा जी हमारे पास सेवन मैन है, इनमें से हमने थ्री सेलेक्ट करने हैं, ठीक है जी, सेवन में से थ्री करने हैं और फाइव में से टू करने हैं। सो अब इसका हल निकालते हैं। सो इसका हल क्या है कि जी ऊपर आएगा फाइव फैक्टोरियल, नीचे आएगा टू फैक्टोरियल्स टाइम्स फाइव माइनस टू क्या होता है थ्री फैक्टोरियल टाइम्स, यहाँ आएगा जी सेवन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल, और सेवन माइनस थ्री क्या होता है फोर फैक्टोरियल। मेरा ख्याल है इसका हमने पहले निकाला था और शायद 35 आया था, मगर दोबारा से निकाल लेते हैं। सो इस वाले को हमने कैसे करना है, हमने थ्री फैक्टोरियल तक लिखना है क्योंकि ताकि ना हम नीचे से काट सकें, और टू फैक्टोरियल का आंसर टू फैक्टोरियल ही होता है, तो हम क्योंकि टू टाइम्स वन टू ही आंसर आता है। ऊपर आएगा जी फाइव टाइम्स फोर टाइम्स थ्री फैक्टोरियल, नीचे आएगा जी टू टाइम्स थ्री फैक्टोरियल, और जो है थ्री फैक्टोरियल कट गया और टू से फोर कटा, यहाँ पर टू आ गया, तो फाइव टाइम्स टू टेन, इस वाले का आंसर टेन आ रहा है। टाइम्स यहाँ पे है जी सेवन टाइम्स, हमने फोर तक लिखना है, सेवन टाइम्स सिक्स टाइम्स फाइव टाइम्स फोर फैक्टोरियल, और जो थ्री फैक्टोरियल है वो होता है थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन विच इज सिक्स, यहाँ पे सिक्स आ गया टाइम्स फोर फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कि जी फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कट गया, सिक्स से सिक्स कट गया, इसका आंसर आया 35, इसका आंसर आया 10, उसका 35, 10 टाइम्स 35 टोटल हमारे पास जो कमेटीज बन सकती हैं यूजिंग जिनमें थ्री जो है मैन हो और टू वुमेन हो वो बन सकती हैं 350, हमारे पास आंसर आ गया 350, ठीक है जी। सो हमारे पास जो था ना पहला पार्ट उसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट ये है कि जो हमारे पास सेवन मैन थे इनमें से दो मेंस की आपस में लड़ाई हो गई है, और वो कह रहे हैं कि हमने किसी कमेटी का ना इकट्ठे मेंबर नहीं बनना। सो अब हमारे पास कितनी कमेटीज़ बन सकती हैं? सो हमें याद रहे कि हमारे पास जो ये वाला था ना, ये हमने वुमेन के लिए लिखा था कम्बिनेशंस, ये हमारे पास वुमेन के लिए थे, ये हमारे पास मैन के लिए थे। सो हमने क्या करना है सेकेंड पार्ट के लिए, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सेकेंड पार्ट यहाँ लिख नहीं रहा मगर रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट बी ये है कि हमारे पास दो, पार्ट बी ये है कि जो है टू मैन जो है ना वो रिफ्यूज टू बिकम पार्ट ऑफ सेम कमेटी। सो बेसिकली यहाँ पे दो मैन जो है ना मस्ट नॉट बी इन अ सेम कमेटी, मस्ट नॉट बी इन अ सेम कमेटी। और हमने देखना है कि अब हमारे पास ना कितनी कमेटीज पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, ये थी हमारे पास टोटल कमेटी पॉसिबल अगर सारे मैन जो थे ना वो आपस में एक दूसरे से राजी हों। मगर हमने क्या करना है कि हमने कमेटीज निकालनी है टोटल जिसमें दो बंदे इकट्ठे हो सकते हैं, और उसको इन में से माइनस कर देना है, ठीक है। सो क्या करते हैं जी, इसके अंदर हम टोटल कमेटीज निकालते हैं जिसमें जो है ना दो बंदे जो आपस में नाराज हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि दो बंदे नाराज इकट्ठे हो सकते हैं, कि जो है टू एंग्री मैन टुगेदर इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हैं कि जी हम दोनों को में से दोनों को सेलेक्ट कर लें, ये दो बंदे में दो सेलेक्ट कर लें, टोटल हमने करने थे सात, सात में से तीन करने थे,
तो हमने दो में से दो सेलेक्ट कर लिए, नाराज़ वालों से दो सेलेक्ट कर लिए, अब हमारे पास बाकी रह गए हैं पाँच, और हमने कितने से करने हैं, पाँच में से हमने एक सेलेक्ट करना है टोटल, क्योंकि हमारे पास टोटल तीन आ गए हैं और सात में से हमने तीन सेलेक्ट कर लिए। तो ये कितने है? इसका क्या आंसर आएगा? सो एक बेसिकली रूल ये है जो हमारी कैलकुलेशन को थोड़ी तेज़ी से बना सकता है कि जब भी हमारे पास ऊपर नीचे सेम रकम हो तो इसका आंसर हमेशा वन आता है, हम चाहे करके देख लें। तो इसका आंसर मुझे पता है वन आएगा, आप करके देखें क्या वन आएगा कि नहीं आएगा। और एक और रूल ये है कि जब ऊपर नीचे वन हो, ऊपर कोई और मेरे पास जो है नंबर है, ऐसे नीचे वन है, तो इसका आंसर जो है ऊपर वाला नंबर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फाइव आएगा। मैं आपको शॉर्टकट रूल के मुताबिक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपने इसको पूरा को सोल्व करना है तो फिर भी इसका आंसर वन ही आएगा, इसका आंसर फाइव ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो एंग्री मैन कितनी कमेटीज में, कितनी पॉसिबिलिटी तक कमेटी में इकट्ठे हों, वो फाइव पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो मैंने ये करना है कि मुझे पता था कि इसका आंसर शुरू में क्या आ रहा था, टेन, और इसका आंसर शुरू में क्या आ रहा था, इसका आंसर शुरू में आ रहा था थर्टी फाइव, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि 35 में से ना ये वाला 5 निकाल देना सेकंड पार्ट के लिए, ताकि जो ना एंग्री मैन कभी इकट्ठे ना हो। तो मैंने क्या किया, 35 में से ना 5 माइनस कर दिया। ये वो वाली कमेटीज़ हैं जिनमें ना दोनों बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, पहले मेरे पास आंसर आ रहा 350, अब मेरे पास आंसर आएगा, उसका आंसर 30 आ रहा है, 30 टाइम्स 10, इसका आंसर आएगा 300। तो अब मेरे पास 300 कमेटीज़ बन सकती हैं जिनके अंदर मेरे पास क्या होगा जी, मेरे पास 7 में से 3 मैंने जो है मैन चूज़ किए होंगे, और 5 में से 2 वुमेन चूज़ की होंगी, और जो दो आपस में एंग्री मैन थे वो इकट्ठे नहीं होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हम बाइनोमियल कोफिशिएंट को जो एन चूज़ किए है, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट इसलिए कहते हैं कि ये बाइनोमियल थ्योरम में इस्तेमाल होता है। सो एन चूज़ के जो है इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम में इस्तेमाल होता है। सो बाइनोमियल थ्योरम कहता है बेसिकली कि अगर मैंने आंसर निकालना हो x प्लस वाई रेज टू पावर n का, तो इसका आंसर होगा k इज इक्वल्स टू 0 से n तक, और n चूज k x रेज टू पावर k एंड y रेज टू पावर n माइनस k। तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं एग्जांपल के, लेट्स से मैंने आंसर निकालना है x प्लस वाई रेज टू पावर 3 का, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा जी, सॉल्यूशन मुझे पता है इस केस में मेरे पास n की वैल्यू 3 है, सो x प्लस वाई रेज टू पावर 3 विल बी इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 से 3 तक, और यहाँ पे आएगा 3 ओवर k x k y 3 माइनस k, और इसको एक्सपेंड करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास टर्म आएगी k 0 वाली, सो मेरे पास आएगा 3 एंड 0, और यहाँ पर आएगा x रेज टू पावर 0 एंड y रेज टू पावर 3, और हमें पता है वैसे बाय द वे 3 0 का आंसर हमेशा जो है ना 1 आता है, अगर नीचे एक 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। प्लस सेकंड टर्म मेरे पास आएगी 3 एंड 1 x रेज टू पावर 1 एंड y रेज टू पावर 2, थर्ड टर्म मेरे पास आएगी 3 2 x रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर 1, और आखिरी टर्म मेरे पास आएगी 3 चूज 3 x रेज टू पावर 3 एंड y रेज टू पावर 0। सो आगे सॉल्व करते हैं। सो हमें पता है कि अगर 3 0 हो तो बेसिकली इसका आंसर 1 आता है, आप सॉल्व कर सकते हैं मगर इसका आंसर 1 आएगा। सो पहली टर्म मेरे पास आएगी y क्यूब, क्योंकि जो है ये भी x रेज टू पावर 0 भी 1 है और ये भी 1 है, प्लस
सो जो सेकंड टर्म है वो है 3 चूज 1, और जब हमारे पास नीचे 1 हो तो उसका आंसर जो है ना ऊपर वाला नंबर ही आ जाता है। तो इस केस में आंसर जो है वो 1 आएगा, और इस केस में आंसर जो ऊपर वाला नंबर आएगा। हम इसको भी हल करके देख सकते हैं, मगर आंसर इसका 3 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 x y² ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म जो है इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 2 का आंसर क्या आएगा, वो आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 है 1 फैक्टोरियल, और इसका आंसर भी 3 आता है। तो आएगा जी 3 x² y, और जो नेक्स्ट टर्म है जब ऊपर नीचे सेम हो फिर भी आंसर 1 आता है। जैसे 3 0 पे आंसर 1 आएगा, 3 3 पे भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ आएगा जी x³ y₀। तो ये बेसिकली आंसर आ रहा है x+y³ का। सो हम बाइनोमियल थ्योरम को एक चीज़ और के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास अगर सैम्पल स्पेस में n एलिमेंट्स हैं तो उस सैम्पल स्पेस के कितने ज़्यादा सबसेट्स बनेंगे, ठीक है ना। हमें पता है सब सैम्पल स्पेस के सबसेट 2^n बनेंगे, मगर 2^n आया कहाँ से है, तो बाइनोमियल थ्योरम से आया। सो लेट्स सी। सो हमें हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, एग्जाम्पल इस तरह से कि हमारे पास सैम्पल स्पेस है, हैविंग 10 आउटकम्स। सैम्पल स्पेस के अंदर 10 आउटकम्स हैं, एंड देन हाउ मैनी इवेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी इवेंट्स कैन बी मेड ऑफ दैट सैम्पल स्पेस। सो इस सैम्पल स्पेस के कितने इवेंट्स बन सकते हैं ये जो है ना हमें पता लगाना है। सोल्यूशन, सो हमें पता है कि पहला जो उसका इवेंट बन सकता है शायद वो जीरो लेंथ के हैं, जो नल इवेंट होते हैं। सो हमारे पास 10 है, तो पहले हमारे इवेंट बन सकते हैं जी 10 चूज 0, यानी कि ये कौन से इवेंट हैं, जीरो लेंथ के। तो हम इसमें ना बेसिकली ये वाला चीज़ इस्तेमाल नहीं करें, खाली हम ये इस्तेमाल करें। हमारे पास ये इवेंट बन सकते हैं कि जो जीरो लेंथ के हैं। फिर हमारे पास इवेंट बन सकते हैं कि जो 1 लेंथ के हों। हमारे पास इवेंट बन सकते हैं 10 चूज 1। हमारे पास इवेंट बन सकते हैं कि जो 2 लेंथ के हों। इवेंट बन सकते हैं कि जो 3 लेंथ के हों, और सो ऑन सो फोर्थ। हमारे पास आखिर में इवेंट बन सकते हैं जो 10 लेंथ के हों, ठीक है। तो इसका हम आंसर निकाल सकते हैं इस पूरी की पूरी जो है स्टेटमेंट का। और जब इसका पूरी की पूरी स्टेटमेंट का जो आंसर हमारे पास आएगा हल करने के बाद, वो 2^10 आएगा। तो इससे पता लगता है कि हमारे पास जो सैम्पल स्पेस के अंदर अगर 10 आउटकम्स हों, तो जो नंबर ऑफ इवेंट सैम्पल स्पेस के बन सकते हैं वो 2^10 बन सकते हैं। बस एक लास्ट चीज़ और देखते हैं, उसके बाद लेक्चर ख़त्म। तो जो आखिरी टेक्निक हमारे पास काउंटिंग की रह गई है वो मल्टीनोमियल कोफिशेंट्स है। इस टेक्निक का नाम मल्टीनोमियल कोफिशेंट है। इस को हमने पहले भी किसी हद तक पढ़ा था। ये कहता है कि जी हमारे पास एन यूनिक आइटम्स हैं, हमारे पास एन डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, एंड वी विश टू डिवाइड दोज आइटम्स इन आर ग्रुप्स। वी विश टू डिवाइड देम इनटू आर ग्रुप, टू डिवाइड देम इन आर ग्रुप्स ऑफ साइजेस n1 n2 से nr तक। तो इसका फिर हाउ मैनी पॉसिबल ग्रुप्स कैन वी क्रिएट। सो बेसिकली हाउ मैनी ग्रुप्स कैन वी क्रिएट, हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप्स कैन वी क्रिएट, हाउ मैनी
ग्रुप्स, तो बेसिकली ना जो ये वाली चीज़ है ना, बिल्कुल से मिलती जुलती चीज़ हमने ना पहले भी पढ़ी थी जब हमने परम्यूटेशन के बारे में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पे जो जो फार्मूला है ना सेम ही है, तो इसका फार्मूला भी बिल्कुल सेम ही है 100% के, एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल डॉट 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 और आखिर में एन आर फैक्टोरियल, तो सेम फार्मूला है मगर इसका इस्तेमाल फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास जो थे ना डिस्टिंक्ट आइटम नहीं थे, हमारे पास डुप्लीकेट थे, और हम बेसिकली जो है ना उनको अरेंज करना चाह रहे थे इस तरह से कि जो जो हमारे पास सिमिलर आइटम्स हैं उनको हम ना उनकी अरेंजमेंट को हम इग्नोर कर दें, तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था। यहाँ हमारे पास डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं और उनको हम जो है डिफरेंट छोटे ग्रुप में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम दोनों को पढ़ें तो स्टेटमेंट में फ़र्क है मगर फार्मूला सेम है, और स्टेटमेंट भी बेसिकली एक किस्म की मिलती जुलती है कि इसमें भी हम उसमें हमारे पास बने बनाए जो थे हमारे पास ग्रुपिंग थी जो बेसिकली सिमिलर आइटम्स की थी, यहाँ पे हम जो है ख़ुद ग्रुप बनाना चाह रहे हैं छोटे डिफरेंट एन के। सो इस एग्जांपल करके देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे पास 10 चिल्ड्रन हैं जिनको हमने रेड ग्रुप और ब्लू ग्रुप में डिवाइड करना है, और रेड ग्रुप और ब्लू ग्रुप में दोनों में फाइव फाइव मेम्बर्स होने चाहिए। सो हमारे पास गिवन 10 चिल्ड्रंस हैं हमारे पास, या किड्स हैं, वी विश टू डिवाइड देम, वी विश टू डिवाइड देम इन रेड एंड ब्लू ग्रुप्स ऑफ 5 मेंबर ईच, ऑफ 5 मेंबर्स ईच। सो ये जो है ना हमारे पास सवाल है, हमें देखना है कि हाउ मैनी ग्रुप्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड, डिफरेंट ग्रुप्स आर पॉसिबल। सो इसका सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन ये है कि हमने कहा जी 10 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 10 बच्चे हैं, हमने उनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, पहले ग्रुप में भी 5 बंदे होंगे तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। सो बेसिकली ये इसका आंसर है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम।